हेलो दोस्तों, ईसी पी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 आर्य सभरवाल मैथ का एक्सरसाइज 2D बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट बता चुके हैं। मैं 28 का सारा कंप्लीट कर चुका हूँ और 29 से आगे बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए लंबा लंबा वीडियो बन रहा है। इसलिए इससे आगे आज लेकिन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 बता रहा हूँ। 3 pieces of timber, टिम्बर दोस्तों क्या कहते हैं, वो जो ब्रिज का जो स्टीम होता है बीच वाला पार्ट, उसे को टिम्बर कहते हैं। ग्लास भी हो सकता है। 42 meter, 49 meter एंड 63 meter लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इन टू एन प्लैंक ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पोजिशन ऑफ द लेंथ, मतलब ग्रेटेस्ट निकलना है किसका, 42 का, 49 का, 63 का, ग्रेटेस्ट निकालना है। ग्रेटर मतलब SCF निकालना है। तो कोई भी दो ठो का पहले निकाल लेते हैं। 42 और 49 का पहले निकाल लेते हैं। कोई भी दो का निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला था वन बार में चलेगा। 42 यहाँ 7 तो कट गया, उसके बाद यहाँ 42 7 कितना बार में, 6 बार में, 7 6 7 6 42। तो हम लोग इसका जो SCF आया 7 आया, अभी आंसर नहीं आया, इसको अभी ट्रैक किए ही नहीं, तो इस वाला आंसर से इसको चेक करते हैं। सॉरी 7 आया था, 63 दो, ध्यान रखना SCF का आंसर इधर नहीं इधर आता, डिवाइड का इधर आता। तो 7 7 जा 7 9 जा 63, तो हम लोग का आंसर 7 ही रह गया। तो अब यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोग को, 3 pieces of timber इज द इतना। अब यहाँ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ इच, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखना पड़ेगा, 7 लिख देंगे। 7 इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ इच, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है ना। और भी यहाँ लिखना है जो भी लिख सकते हो अपना, लेकिन मैं यहाँ मैं कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे हो रहा है। 29 हो गया, अब बता रहा हूँ 30। 3 different container जो 3 different container हैं, तो पहला 403 liter, उसके बाद है 434 liter एंड 465 liter ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विद द मेजर ऑफ मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर एंड एग्जैक्टली नंबर टाइम, मतलब इतना लीटर है, एक ऐसा कंटेनर बताना है जो ये सारे को मेजर कर सकता है। तो इसका मतलब इसका भी क्या निकलना है, हम लोग को HCF निकालना है। तो चलिए 403 और 434 का पहले HCF निकाल लेते हैं, वन बार में चलेगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यहाँ 3, उसके बाद उतारेंगे 403, वन बार में चलेगा। 31 यहाँ 9 यहाँ कट गया। दोस्तों यहाँ 3 उतारते हैं, अभी मत घेर दीजिएगा, क्योंकि इससे यहाँ छोटा आना चाहिए, इसका बाद और एक दो बार में चलेगा, तीन बार में चलेगा। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये कट गया। तो SCF हम लोग का 31 इसका आया, अब इससे ट्राई कराना। 31 4 6 5, तो 5 1 जा कितना बार में चलेगा, इससे पड़ा है वन बार में चलेगा। 31 5 यहाँ हो जाएगा 1, सॉरी हाँ सही है। उसके बाद चलाएंगे 5 बार में 5 5 जा 25, तो 5 carry 1 5 3 जा 15, सॉरी 5 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15, ये सॉरी कट गया। तो हम लोग का आ गया 31, ये SCF 31 ये लीटर था ना, एक मिनट, 30 लीटर था, तो 31 लीटर आंसर हुआ। आपको लिख देना है यहाँ क्या कहाँ गया, कितना 30 बना रहे थे यहाँ। फाइन द कैपेसिटी, तो यहाँ फाइन की जगह 31 इज द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन बी मेजर्ड द मिल्क ऑफ द कंटेनर इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, बस यही लिखना है आपको। नेक्स्ट बता रहा कितना बता दिए, 31। अब थोड़ी 30 बताए, 31 बता रहा हूँ। देर आर 572 apple एंड 646 pear एंड 748 orange, मतलब ये सब है। दीज आर द बी अरेंज इन द हिप, एक ढेर लगाना है। कंटेनर द सेम नंबर ऑफ द फ्रूट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट पॉसिबल इन ईच हिप, हाउ मेनी हिप आर फॉर्मेट, कितना फॉर्मेट बनेगा और कितना है। तो पहले SCF निकालना है और वो दोनों चीज़ निकालना। चलिए पहले
500, 570, 527, 646, 748। तो दोनों का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 570, 527, 646, 1 बार में 527। तो यहाँ 6 में 7 नहीं घटेगा, 16 में 7 घटाएंगे तो 9, 7, 16, 9, 3 में 2 सब करेंगे तो 1, यहाँ भी होगा 1, 527। तो 5 बार में चलाएंगे तो बढ़ जाएगा, 4 बार में चला लेते हैं, 9, 4 जा 936 कैरी 3, 4 जा 4 567 और 4 जा 4। तो यहाँ 6 में 7 में 6 सब्ट्रैक्ट 1, 12 में 9 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ तो खत्म हो गया। ध्यान रखना दोस्तों, इससे यहाँ छोटा आना चाहिए, अगर बड़ा आया तो 4 में नहीं 5 में चलाते, लेकिन छोटा आया कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब उसके बाद कितना बार में चलेगा, 5 2 जा 10 2 बार में, 5 2 जा 10 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 1, 3 बार में 51। तो हम लोग कट गया, आया 17। ये 17 तो इस दोनों का निकाले हैं, अब इस 17 को इसको टकराना है, तो 17 यहाँ है 7, 4, 8। ध्यान रखना कभी कभी यही सेम आंसर आता है, लेकिन कभी कभी अलग भी आएगा। तो कितना बार में चलेगा, 17 3 16 68 3 बार में 751 सॉरी 4 बार में चल जाएगा 1768 1768 1785। तो 4 बार में 68, 7 4 जा 28 कैरी 2 4 1 जा 4 2 6। यहाँ पे 2 14 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 4 6 और यहाँ 1, उसके बाद उतारेंगे 8। अब यहाँ कितना बार में चलेगा, चलेगा इसमें 9 18 17 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
है 68 था, तो 468 फोर बार में तो कट गया। हम लोग का एस सी एफ कितना आया 17, तो एस सी एफ जो आया वो 17 आया। लेकिन एक चीज़ और निकालना, तो वो क्या निकालना देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला यहाँ पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट पॉसिबल इन ईच ईयर, तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है 17 बन जाएगा, है ना, जो ऐसे हम लिख दिए हैं 17। अब यहाँ बोला है दूसरा है क्या बोला है, हाउ मेनी हीप आर फॉर्मेड, तो कितना हीप बनेगा। तो पहला था 527 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 आंसर आया। दूसरा नंबर था 646 को 17 से डिवाइड करेंगे, तीसरा नंबर था 748 को 17 से डिवाइड करेंगे, है ना, किस कब का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो इसका जो आ रहा है, तो हम लोग 527 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 31 आएगा, 646 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 38 आएगा, उसके बाद है 478 को किससे डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा, और टोटल कितना आएगा 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1 4 और 336 प्लस 4 10 1 11 तो 123 आ जाएगा। तो हमारा है ना, अगला बता रहे 113 आया, सॉरी अगला है 32। टोटल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त को शेयर जरूर कीजिएगा, 50 दोस्त को शेयर कीजिएगा। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज मेजर एग्जैक्टली लेंथ 7 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 75 सेंटीमीटर और 12 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो पहले 7 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर दिया। दोस्तों यहाँ मीटर सेंटीमीटर दोनों है, तो कोई एक में चेंज कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 7 मीटर हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 385 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1295 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कर दिए, अब हम लोग को निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट निकालना है, लॉन्गेस्ट स्टेप सबसे लंबा, तो इसका मतलब एस सी एफ निकालना। तो सबसे अब इस दोनों का पहले निकाल लेते हैं 385,
दोस्तों ये देखिए, इससे ये छोटा है तो 700 इधर रहेगा, है ना, ध्यान रखना। बहुत सारा बच्चा सोच रहे हैं ये छोटा है ये बड़ा, लेकिन नहीं, ये 3 मीटर है, 7 मीटर, तो 700 सेंटीमीटर, तो 1 बार में चलेगा 385, 10 में 5 तो 5, यहाँ बचेगा 9 में 8 तो 1, यहाँ बचेगा 7 में 3 तो 4, सॉरी सॉरी, यहाँ कैरी दिए थे तो यहाँ 3 बचेगा, तो 4 बचता तो 1 बार और चलता। तो यहाँ फिर हम लोग 385, है ना, ये लिख दिए। कितना बार में चलेगा, 1 बार में चलेगा, 5 1 5 1 और 3, तो यहाँ होगा 0 5 में 1 7, उसके बाद यहाँ 3 1 5, ये वाला नंबर उतारते हैं, 7 3 जा 21, 7 4 जा 4 बार में चलेगा, तो 5 4 0 जा 0, 7 4 जा 28, तो यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 11, 4 सब्ट्रैक्ट तो 8 3 11 3, और यहाँ होगा हम लोग का इतना ही, यहाँ 70 उतार लेते हैं, 2 बार में चलाएंगे, 35 2 जा 70, कट गया, एस सी एफ हम लोग का 30 75 आ गया। दोस्तों क्या आंसर हुआ? नहीं, अभी इसको हम लोग इससे डिवाइड करना है, 1 2 9 5। अच्छा, बाय मिस्टेक कभी कभी आंसर मिल ही जाएगा, तो आप लाइसा के नहीं करना, करना ही है इसको, नहीं तो नहीं देगा नंबर। तो पहले इतना लेंगे तो नहीं चलेगा, इतना ले लेते हैं, तो 35 4 जा बढ़ जाएगा 3 जा चला, तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, सॉरी 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 3 जा, उसके बाद यहाँ यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा, 9 में 5 तो 2 में 0 तो 2, इधर कट जाएगा, उसके बाद उतर 5, कितना बार में चलेगा, 7 से 21, 7 बार में चला लेते हैं, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 3 जा 21, हाँ कट गया, तो हम लोग का आंसर आ गया 35 ही हुआ, एच सी एफ जो है 35, क्या था ये, तो सेंटीमीटर में चेंज किए तो सेंटीमीटर लिख जाते हैं, तो हम आया। हाँ अगला उत्तर है दोस्तों, लैंग्वेज आप लिख दीजिएगा, क्या बोला है यहाँ पे, ये बनाने दें, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप, तो यहाँ लॉन्गेस्ट स्टेप निकला लिया, विच कैन बी यूज मेजर, तो यहाँ हम लोग 35 है ना, यूज टू मेजर एग्जैक्टली दिस लेंथ, ये सब लिख देना पूरा है, सेम टू सेम। अगला बता रहे हैं, नेक्स्ट है, कितना नंबर पूछ रहे हैं हमें, 32 बताया, 33 है। अ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इज 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 मीटर ब्रॉड, इट इज बी पेव विथ द स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच, मतलब देखो देखिए ये रेक्टेंगुलर है इस तरह से, मतलब इसको स्क्वायर साइज में चेंज करना है इस तरह से, है ना, इस तरह से, तो कितना स्क्वायर एग्जैक्टली होगा, तो दोनों का पहले एससीएफ निकाल लेंगे, मिल जाएगा, तो पहले लेंथ जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चलेंगे तो 1872 हो जाएगा, और ब्रॉड जो दिया हुआ है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 1320 सेंटीमीटर, है ना, ये चौड़ाई है, दोनों का एससीएफ निकालेंगे तो 1320 और इधर है 1872, है ना, ऐसा होगा। तो यहाँ हम लोग सही है ना, 1720 और इतना, तो एससीएफ निकालेंगे तो 1 बार में चलेगा, यहाँ होगा 2 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, और यहाँ 8 में 3 तो 5, यह कट गया, उसके बाद यहाँ 13 20, 2 बार में चल जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 11, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 10 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ होगा 1, यहाँ हो जाएगा 2 में 3 में 1 तो 2, उसके बाद यहाँ उतारेंगे 5 5 2, तो यहाँ क्या बार में चलेगा, 2 2 जा 4, 2 बार में, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, और 2 2 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 में 2 0 सब्ट्रैक्ट 0, 5 में 3 2, या 5 में 4 1, तो यहाँ फिर होगा 2 1 6, 1 बार में चलाएंगे 2 20, थोड़ी तो इससे छोटा हो गया,
नहीं, ठीक है, यहाँ 1 बार में चलेंगे तो यहाँ यहाँ क्योंकि यहाँ 216 है, यहाँ 100 कुछ है, तो 6 में 0 तो 6 11 में 2 सबट्रैक करेंगे, तो 11 में 2 सबट्रैक करेंगे तो हो जाएगा 9, और ये इतना 96, बहुत लंबा चलेगा, इसको यहाँ लिखते हैं 96, और यहाँ है 120, 1 बार में फिर 96, यहाँ होगा 4 11 में 2, उसके बाद 94, कितना बार में चलेगा, 8 बार में, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16, 7 18 19, सॉरी बढ़ जाएगा 8 बार में, 4 बार में, 4 4 जा 16 का सिक्स कैरी 1, 4 4 2 जा 8 1, हाँ कट गया, तो हम लोग का 24 SCF निकल गया, मतलब ये रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल का पहले जो हम लोग लेंथ दिया हुआ है, रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ, पहले इसको मोड़ लेते हैं और यहाँ से, पहले SCF जो हम निकाल के दिखाएं, वो रेक्टेंगल का लेंथ जो दिया हुआ 33 बना लेते हैं, 1872 सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, और ये 1320 सेंटीमीटर, अब जो स्क्वायर का हम लोग का लेंथ है कितना है, अभी निकाले हैं 96 निकाले, नहीं 24 निकाले, 24 ये सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करना है, कितना यहाँ बोला है, फाइंड द लीस्ट नंबर है ना सच टाइल, टाइल कितना टाइल की ज़रूरत है, तो यहाँ देख लिए दोस्तों, पहले हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल RECTANGLE, देखिए इधर क्या क्या कर रहे हैं, एरिया रेक्टेंगल निकालेंगे, लेंथ है 1872 मीटर का सेंटीमीटर, और 1320 सेंटीमीटर, और यहाँ सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, तो इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ से कर लीजिएगा 2461 71040 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, निकल गया, अब फिर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना, SQUAR स्क्वायर, कितना हम लोग निकाले हुए थे अभी, यहाँ कितना था 24 निकाले थे, 24 × 24 ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 24 × 24 करेंगे तो कितना होगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग नंबर ऑफ टाइल निकालना है, नंबर ऑफ टाइल, तो नंबर ऑफ टाइल होता है एरिया ऑफ ARE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बटम में एरिया ऑफ स्क्वायर, तो रेक्टेंगल का यहाँ भी निकाले हुए हैं 2471040, और नीचे में है अभी यहाँ निकले हैं 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी था सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, अब इसको इससे अच्छे से डिवाइड कीजिएगा आप, आंसर आएगा 4290, इतना टाइल है, समझ में आया, अच्छे से डिवाइड करना ऐसा आएगा, तो अगला भी अगला बता रहे हैं, नेक्स्ट है 34 का, फाइंड द SCF ऑफ, SCF निकालना, टू प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कोई भी उठा लो हमेशा 1 आएगा, नंबर 1, तो आंसर होगा 1, अब सोचे कैसे, तो लीजिए कोई भी प्राइम नंबर उठा लेते हैं, प्राइम नंबर जैसे 5 है और 7 है, तो 5 और 7 का SCF निकालेंगे तो कोई भी उठा लीजिए 1 ही आएगा, 5 1 जा 5, यहाँ होगा 2, फिर उतरेंगे 5 2 2 2 2 2 जा 4, यहाँ होगा 1, फिर उतरेंगे 2 1 2 जा 2, कट गया तो SCF आया 1, तो 1 ही आएगा। सेकंड नंबर में टू कंजिक्यूटिव नंबर का भी 1 आएगा हमेशा, ये भी फिक्स है। टू को प्राइम नंबर का भी 1 आएगा, को प्राइम उसी को कहते हैं जिसका SCF 1 आता है, इसको फिक्स है। अगला 4 नंबर का टू एंड इवन नंबर, ये भी 1 आएगा, क्यों, टू और इवन नंबर, इवन नंबर कोई भी उठा लो, जैसे 4 ले लेते हैं, टू एंड एन इवन नंबर, दोस्तों इवन नंबर को चलाएंगे तो 2 2 जा 4, इसका मतलब आएगा 2, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, है ना, जैसे 2 और कोई भी लिख लेते हैं, इवन नंबर 6 लेंगे, 2 3 जा 6, तो भी 2 आ रहा, 2 आएगा हमेशा इसका। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू, मिलते हैं जरूर, तब तक के लिए बाय, दोस्तों शेयर 50 दोस्तों, थैंक यू।